सभा पति महोदय, मैं विपक्ष के नेता की हैसियत से यहाँ आया हूँ। मुझे इस सदन में अपनी बात रखना है, जिसके लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। सभापति जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से वायदा किया था कि वे भारत का विकास करेंगे और देश को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, परंतु अब तक उनके द्वारा इस तरह का कोई काम नहीं किया गया है। वह बहुत बड़े नेता हैं, पर अपने किए गए वायदे पूरे नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? क्या वह भारत में ना रहकर विदेशों में घूमते हैं? और अगर विदेशों में जाते हैं तो वहाँ से ऐसी तकनीक लेकर आए जिससे कि लोगों को रोजगार मिले। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी जापान दौरे पर गए थे। वहाँ से भी रेल गाड़ी जो कि 300 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी लेकर आए। लाना ही था तो शिक्षा पद्धति लेकर आते, जिससे देश ऊंचाइयों पर जाता। रेल हमारे संपूर्ण देश में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तो ठीक प्रकार से चल नहीं पाती है। 300 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कैसे चलेगी? अभी इसकी आवश्यकता नहीं थी। मैं अपनी ओर से निवेदन करूंगा कि देश को विकास की आवश्यकता है, रेल की नहीं। रेल तो हमारे यहाँ तकरीबन 165 वर्षों से चल रही है। अतः शिक्षा का विकास सबसे पहले होना चाहिए। मेरा माननीय से यही निवेदन है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और आपने मुझे जो समय दिया उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। फुल स्टॉप।